नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड वेडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M31S का एक डिटेल्ड कैमरा रिव्यू। इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे M31S से कैसे डेलाइट में आप फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं, पोर्ट्रेट फोटोज़ कैसे आप कैप्चर कर सकते हैं, साथ ही में वाइड एंगल कैमरा इसका कैसा है, और साथ ही में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कैसा कर पाएंगे, और नाइट टाइम में फ़ोटोज़ वगैरह कैसे ले पाएंगे, और फ्रंट में से सेल्फी कैमरा इसका कैसा है, वो भी हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करके वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस फोन में आप लोगों को देखने को मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, जिसका मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682। हाँ दोस्तों, यहाँ पे 682 सेंसर दिया गया है, 686 नहीं है। साथ ही में यहाँ पे आप लोगों को एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। तो चलिए फोटो सैंपल्स देख लेते हैं यहाँ पे कैसे है। नॉर्मल डे लाइट में काफ़ी अच्छे फोटोज़ आते हैं। कैमरे का ऑटो HDR मोड भी काफ़ी अच्छा काम करता है। यहाँ पे ओवरऑल कलर्स आप लोग देख सकते हैं, कलर्स कितने अच्छे हैं। फोटो में डिटेल की अगर बात करें तो डिटेलिंग लेवल भी आप लोग देख सकते हैं कैसा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 16 मेगापिक्सल पे फोटो कैप्चर करता है, तो 16 मेगापिक्सल का फोटो आप लोग डिटेल में देख सकते हैं कैसा है। इस फोटो को भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा फोटो है। ओवरऑल हाईलाइट और शेडोज का बैलेंस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। HDR मोड काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम करता है, साथ ही साथ कलर्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं इस फोन से। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी काफ़ी अच्छा काम करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक अल्ट्रा वाइड कैमरे से आप काफ़ी एरिया एक ही जगह पे कैप्चर कर पाएंगे सिर्फ एक ही जगह पे खड़े होके। देख सकते हैं नॉर्मल कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। हालांकि अल्ट्रा वाइड कैमरे में आपको डिटेल थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन जो फील्ड ऑफ व्यू आप लोगों को मिल जाता है उसके हिसाब से डिटेल थोड़ा कम भी चल जाता है। ये भी एक और फोटो है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी डिटेल के साथ फोटो कैप्चर हुआ है, और ये सारे फोटो 16 मेगापिक्सल पे ही कैप्चर हुए हैं। चलिए कुछ और फोटो सैंपल्स आप लोगों को दिखा देते हैं, और इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा ओवरऑल फोटो क्वालिटी कैसा आप लोगों को मिल जाता है। इस फोन में रेयर में से आप लोगों को लाइव फोकस मोड या पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन ह्यूमन सब्जेक्ट को छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट को अगर आप लोग कैप्चर करने जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होने पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता है एजेस को। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एजेस ठीक से कैप्चर नहीं हो पाया। इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे डिटेलिंग लेवल काफ़ी अच्छा है, लेकिन ऊपर का एरिया देखेंगे तो ये बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिटेलिंग लेवल उतने अच्छे नहीं आ रहे, और एज डिटेक्शन में भी कहीं कहीं पे यहाँ पे ख़राब रिजल्ट्स आ गए हैं। लेकिन कुछ कुछ और सब्जेक्ट के केस में ये प्रॉपरली काम करता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एजेस काफ़ी शार्प है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपरली कैप्चर कर पाया है ब्लर मोड को। ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम करता है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। हालांकि यहाँ पे भी कहीं पे एजेस में थोड़ा सा मिस चला गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस एजेस में थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा बिजी बैकग्राउंड है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है, और ओवरऑल फोटो काफ़ी उभर के आ रहा है। चलिए कुछ और फोटो सैम्पल्स देख लेते हैं।
रियर कैमरे से आप लोग 64 मेगापिक्सल मोड में भी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों फोटो आप लोग देख सकते हैं, दोनों ही फोटो 64 मेगापिक्सल में और 16 मेगापिक्सल, दोनों में से एक फोटो 64 मेगापिक्सल और एक फोटो 16 मेगापिक्सल पे कैप्चर कर लिया गया है। और चलिए जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं दोनों में डिटेल में कितना फर्क आया है। हालांकि दोनों में नॉर्मली देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं लगेगा, लेकिन जूम करने के बाद आपको थोड़ा सा डिटेल में फ़र्क देखने को मिलेगा। जूम करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नंबर प्लेट एरिया में कितना डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे नंबर प्लेट काफ़ी क्रिस्प और क्लियर दिख रहा है, जबकि इस वाले नंबर प्लेट में आप देखेंगे थोड़ा सा ब्लरीनेस आ गया है। सिमिलर वे में यहाँ पे देख सकते हैं सामने थोड़ा ज़्यादा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे डिटेल में देखेंगे उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। यहाँ पे जो लिखावट है देख सकते हैं सड़क सुरक्षा लिखा गया है, वो काफ़ी क्लियरली पढ़ा जा रहा है, जबकि यहाँ पे वो पढ़ा नहीं जा रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो डिटेल में काफ़ी फर्क आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं डस्ट प्रॉपरली दिख रहा है कांच के ऊपर, जबकि यहाँ पे कांच के ऊपर उतना क्लैरिटी नहीं है। तो 64 मेगापिक्सल में डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, हालांकि वहाँ पे आपका ज़्यादा स्टोरेज खर्च हो जाएगा। ये एक दूसरा फोटो है और इस फोटो में भी 64 मेगापिक्सल और 16 मेगापिक्सल का डिफरेंस आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन खाली आंखों में देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, लेकिन जूम करने के बाद असली डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाएगा। जूम करने के बाद बैनर के यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वाले बैनर में देखेंगे तो उतना ज़्यादा डिटेल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन इस वाले बैनर में देखेंगे डिटेल्स काफ़ी क्लियरली देखा जा रहा है। यहाँ पे जो एकदम लास्ट का टेक्स्ट है वो भी पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है वो एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है। और बाकी यहाँ पे ट्रीज़ में देखेंगे, पीछे के ट्रीज़ में तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रीज़ में ट्रीज़ का जो पत्ते है वो क्लियरली सेपरेटली आप देख सकते हैं कि अलग अलग पत्ते आप लोग देख सकते हैं, ब्रांचेस देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ एक साथ मर्ज हो गया है, आप सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। और पीछे का ऑटो देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो काफ़ी क्रिस्प और क्लियर है, जबकि यहाँ पे देखेंगे हालांकि थोड़ा दूर है लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्लरी हो गया है। तो ओवरऑल 64 मेगापिक्सल से ज़्यादा डिटेल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है और साथ ही में आपके पास ज़्यादा स्टोरेज है तो आप यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का फोटो बड़े ही आराम से कैप्चर कर पाएगा। 5 मेगापिक्सल के मैक्रो मोड से आप लोग काफ़ी अच्छे मैक्रो फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, हालांकि मेगापिक्सल काउंट कम होने की वजह से डिटेलिंग थोड़ा कम आता है। देख सकते हैं काफ़ी क्लोज जाके आप लोग फोटो कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ पे इतना क्लोज आप नॉर्मली नॉर्मल कैमरे से कैप्चर नहीं कर पाएंगे। सेल्फी कैमरे की अगर बात करें तो सेल्फी कैमरा भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, 32 मेगापिक्सल में काफ़ी अच्छे डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही में फेस में ब्यूटीफाई मोड भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ओवर ब्यूटीफाई मोड अप्लाई नहीं होता है, एक डिसेंट सा बैलेंस रहता है। ओवरऑल आप फोटो को देख सकते हैं, हालांकि मास्क की वजह से आधा फेस यहाँ पे ढक गया है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं फेस में डिटेल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, फेस और बॉडी में ओवरऑल काफ़ी अच्छे डिटेल्स दिख रहा है। 32 मेगापिक्सल में आप लोगों को काफ़ी बेटर रिजल्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। मास्क का जो यहाँ पे पैटर्न्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। कुछ सेल्फी फोटोज हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। फ्रंट कैमरे में भी आप लोगों को लाइव फोकस या बैकग्राउंड ब्लर वाले मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में भी ठीक ठाक काम कर लेता है, लेकिन एजेस में कभी कभी मिस कर जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एजेस में और इस तरफ के एजेस में थोड़ा सा दिक्कत आया है, बाकी ओवरऑल ठीक ठाक ही फोटो यहाँ पे आ गया है। लोलाइट फोटो की अगर बात करें, नॉर्मल मोड में उतना अच्छा फोटो तो नहीं आता है, लेकिन नाइट मोड में आप काफ़ी अच्छे फोटो कैप्चर कर सकते हैं। ये एकदम नाइट टाइम का फोटो है और आप लोग देख सकते हैं डिटेल लेवल कितना अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस यहाँ पे दिख रहा है, जबकि एक्चुअल जो सीन था वो इतना ब्राइट नहीं था। इंडोर लाइट में अगर आप लोग देखेंगे सेल्फी कुछ इस तरह से आता है नाइट मोड के साथ। फ्रंट में भी आप लोगों को सेल्फी में नाइट मोड देखने को मिल जाएगा और रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे एक्चुअली रिजल्ट्स है। नाइट मोड ऑफ करके आप फोटो कैप्चर करेंगे तो इतना अच्छा डिटेल आपको फेस के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। और एकदम पिच ब्लैक में मैंने फ्रंट में नाइट मोड से फोटो कैप्चर किया था तो वहाँ पे रिजल्ट्स उतना अच्छा नहीं आया है। यहाँ पे इंडोर लाइट में आप लोग देख सकते हैं दोनों ही फोटो सेम टाइम में कैप्चर किया गया है, एक है नाइट मोड के साथ और दूसरा है बिना नाइट मोड के।
लेफ्ट साइड में देखेंगे तो नाइट मोड के साथ फोटो कैप्चर किया गया है इंडोर लाइट में, जबकि राइट साइड में इंडोर लाइट में विदाउट नाइट मोड यहाँ पे फोटो कैप्चर किया गया है। हालांकि डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं लग रहा है, फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे कलर्स थोड़े ज़्यादा ब्राइट है, साथ ही साथ यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल यहाँ पे लेफ्ट साइड के फोटो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पे राइट साइड के फोटो में देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा नॉइज आप लोगों को दिख रहा होगा। एक और नाइट मोड का फोटो साइड बाय साइड आप लोग देख सकते हैं, बैल्कनी में एकदम डार्क था वहाँ पर मैंने ये फोटो कैप्चर किया है। लेफ्ट साइड का फोटो नाइट मोड के साथ देख सकते हैं कितना अच्छा और कलरफुल फोटो आया है, और बैकग्राउंड में देख सकते हैं थोड़ा सा ब्राइट यहाँ पे बैकग्राउंड हो गया है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल फोटो को देखेंगे एकदम डल सा फोटो है, नॉइज़ भी ज़्यादा है, और साथ ही में बैकग्राउंड देखेंगे एकदम ही पूरा ब्लैक हो गया है। एक और नाइट मोड का सैंपल आप लोग देख लीजिए, और यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, नॉर्मल मोड से जब आप नाइट मोड में फोटो कैप्चर करने जाएंगे तो वहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू है थोड़ा सा जूम हो जाता है। देख सकते हैं लेफ्ट साइड का फोटो थोड़ा सा जूम करके लिया गया लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऑटोमेटिक जूम हो जाता है जब नाइट मोड में फोटो कैप्चर करता है। ये एक और नाइट मोड का फोटो है और काफ़ी अच्छा फोटो है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही फोटो आप लोगों को लग रहा होगा सिमिलर है और सेम ही फोटो लग रहा होगा, लेकिन दोनों फोटो को गौर से नोटिस करेंगे तो दोनों फोटो अलग है। यहाँ पे ये एलईडी जो बल्ब्स है, एलईडी जो लाइट्स है, इनको देखेंगे ये पूरा ही ब्राइट हो गया है, एक्सपोजर एकदम भी सही नहीं है। लेकिन इस वाले फोटो में देखेंगे जो नाइट मोड के साथ लिया गया है, ओवरऑल टोटल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा आया है, और साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं एक एक लाइट को आप लोग अलग से देख पाएंगे जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। देख सकते हैं ओवरऑल काफ़ी अच्छा मैनेज यहाँ पे हुआ है नाइट मोड में फोटो कैप्चर करने के बाद। तो ओवरऑल नाइट मोड से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा फोटो यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो क्वालिटी की अगर बात करें, रियर कैमरे से मैक्सिमम आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K में 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सुपर स्टेडी मोड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल EIS का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो जो देख पा रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 4K में, तो वीडियो क्वालिटी कैसा है आप लोग देख लीजिए। सुपर स्टेडी मोड अगर आप लोग वीडियो में ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम 1080p का आउटपुट मिलेगा, और वीडियो क्वालिटी और स्टेबिलिटी कैसा है आप लोग देख लीजिए। फ्रंट कैमरे से मैक्सिमम आप लोगों को 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, 4K में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और वीडियो क्वालिटी कैसा है आप लोग देख लीजिए। सिर्फ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं, फ्रंट में से भी आप लोग स्लो मोशन वीडियो का भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी M31S का एक कैमरा रिव्यू। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, साथ ही में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।